हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू ग्रो माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सिक्स ऑफ ग्रेव्स, द मून, एक्सक्यूज मी, द चैरियट, प्रिंस ऑफ ग्रेव। कोई आपको खोज रहा है स्कॉर्पियंस, आप सिक्स ऑफ ग्रेव्स देख रहे हैं। कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, या आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके लवर हो सकते हैं जिनसे शायद आप अभी सेपरेशन में हैं, आपके बीच में बातें नहीं हो रही हैं, या फिर फिलहाल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे। सिचुएशन चाहे जो भी हो, सिक्स ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ अच्छा समय बहुत मिस कर रहा है। इन्हें आपके बारे में हर चीज याद आ रही है और कहीं ना कहीं ये पास्ट में वापस जाना चाहते हैं। द मून के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं खो गए हैं, मतलब कि आप नहीं हैं। आपके और उनके बीच में जो पहले अट्रैक्शन था, जो पहले बॉन्डिंग थी, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ गई है। शायद आप अब उन पर भरोसा नहीं करते। इस पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है एंड आप बहुत हर्ट नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि कोई चीज होते होते रह गई। ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और सिक्स ऑफ ग्रेव्स के साथ आप बहुत समय से इस रिलेशनशिप में हो सकता है हो। कुछ के लिए शायद ये चाइल्डहुड लवर्स का भी केस हो सकता है। सो आई थिंक ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल रही हैं। आप बहुत ज्यादा हर्ट थे एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके बारे में पूरी तरह से अलग तरीके से सोचते हैं और आपको कन्विंस करना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं या इतने ज्यादा हर्ट हैं कि अब आपको किसी बात का भरोसा नहीं है, चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे। और शायद आप सबसे दूर भी जाना चाहते हैं इस वक्त अपने ऊपर फोकस्ड होने के लिए। अब यहां पर अगर आप कार्ड देखें द चैरियट का, आई डोंट थिंक कि ये पर्सन रुकने वाला है। आप चाहे जितना टाइम ले या जितनी दूर तक जाना चाहे, ये पर्सन आपके पीछे आएगा। ये पर्सन आपको चेज करना बंद नहीं करेगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बार बार आपको टेक्स्ट और कॉल्स आए जो शायद आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाए। शायद आप इस समय इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हैं और कोई भी मैसेज या कॉल आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको तंग कर रहा है। इट्स लाइक आप जैसे ही किसी मैसेज को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इनफ, मैं इस चीज से आगे बढ़ना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, पर ये पर्सन स्टॉप नहीं हो रहा। ये कुछ ना कुछ कर मुझे उसी पॉइंट पर वापस ले आता है और आई थिंक आप रिकवर करना चाहते हैं। यहां प्रिंस ऑफ ग्रेव्स के साथ अगर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हो सकता है ये पर्सन कुछ नेक्स्ट लेवल का करे। हो सकता है कि आपसे मिलने आ जाए। और प्रिंस ऑफ ग्रेव्स के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। आप देखेंगे कि उनके बिहेवियर में सडन चेंज है। ऑल ऑफ अ सडन वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। शायद आपसे दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए भीख भी मांगे और आई डोंट नो आप कितने तैयार हैं इसके लिए स्कॉर्पियन, क्योंकि ये जो हर्ट है ये काफी स्ट्रांग लग रहा है एंड इससे बाहर आने के लिए आपको कुछ वक्त लगेगा। और ये कुछ ऐसा है जैसे कि आपका ब्रेकअप अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, शायद आप हील कर रहे थे या चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे।
अपने सेंसेस को गैदर कर रहे थे वापस, और फिर ये पर्सन आपको ट्रिगर करने के लिए आ जाता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि ये चीजें ओवर हो गई, वो फिर होने लगती हैं, रिपीट होने लगती हैं। एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि आप बार बार किसी पॉइंट पर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, और ये वीक शायद आपका ऐसे ही गुजरे। कप्स है बहुत सारे यहाँ पर, कोई वाटर साइन हो सकता है, द मून भी है, मून भी है यहाँ, कोई कैंसर भी हो सकता है, ऑफकोर्स अ वाटर साइन, और वैसे कोई भी साइन हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, और ये सबसे मैच नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, और अगर आप क्रॉस वॉच है तो ये रिवर्स भी हो सकती है, और अगर आप पिछले साल की रीडिंग, इस साल की रीडिंग और पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Daughter of Skulls, Strength, Prince of Skulls, Prince of Scepters, so Daughter of Skulls. I think ये person realize कर रहा है कि आप अपने लिए stand कर सकते हैं। इन्होंने आपकी strength को देख लिया है। ये जो कुछ भी हुआ, चाहे आप जितना भी hurt हुए हो Scorpion, मगर आपने जो हिम्मत दिखाई है इस situation से दूर जाने की, इस person से दूर जाने की, वो इनके लिए बहुत surprising थी। इन्होंने सोचा नहीं था कि आप एक इतने स्ट्रांग बॉन्ड को रेजिस्ट कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी ताकत होगी कि आप सिक्स ऑफ ग्रेस को रेजिस्ट कर सकते हैं। आपके बीच में कई सालों का रिश्ता हो सकता है, बट फिर भी आपके अंदर इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ है कि अगर आपको कोई ठीक तरीके से ना ट्रीट करे, या आपको ऐसा लगे कि ये रिलेशनशिप कहीं पहुंच नहीं रहा, आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस दे, तो आप उस रिलेशनशिप से दूर जा सकते हैं। ये स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए भी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ लेके आएगा। मतलब कि हैप्पीनेस से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसके कारण, स्ट्रेंथ के कारण हील करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो जाएगी अगर आप चाहें तो। एंड ये पर्सन भी आपके स्ट्रेंथ से शॉक्ड है। डॉटर ऑफ स्कल्स परफेक्ट है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज है, वो लॉयल है, थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं आप, बट फिर भी इस पर्सन को आप चार्मिंग लगते हैं, और सबसे बड़ी बात उन्हें इस चीज का एहसास है कि आपके अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी है। आप एक ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहेंगे जो बार बार आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहा हो। यहां प्रिंस ऑफ स्कल है, प्रिंस ऑफ स्कल्स के साथ अगेन ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है पेंटिकल्स, या आपको ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। और प्रिंस ऑफ सेप्टर्स है यहाँ पर, स्कॉर्पियन कोई नया भी आ सकता है आपके लाइफ में, इनके सब सिंगल हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं, या आप नहीं भी चाहते हैं तो भी प्रिंस ऑफ सेप्टर्स आपके आसपास हो सकता है, कोई आपके आसपास ऐसा हो सकता है जो आप में बहुत इंटरेस्ट दिखाए, और ये पर्सन आपका रोमांटिक पार्टनर बनना चाहता है। और प्रिंस ऑफ स्कल्स को ये बात पता है, शायद उन्हें पता है कि आपके पास लोगों की कमी नहीं है, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, और आप जब चाहेंगे आपको कोई ना कोई और मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज इस पर्सन को डरा रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। सो यहां पर आपको कहा जा रहा है यहां पर चार्ज लीजिए सिचुएशन का, स्ट्रांग बनिए, जो कि आप बनेंगे भी, यहां स्ट्रेंथ का कार्ड है,
ओके, आप अपने हिसाब से चलिए, आपको बिल्कुल भी इस वक्त किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही हैं जो सबसे ज्यादा हर्ट है इस वक्त, और आपका सबसे पहले सही होना जरूरी है। लीड बाय एग्जांपल, दूसरों के लिए एग्जांपल सेट कीजिए, अपने पर्सन के लिए भी एग्जांपल सेट कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। वॉक योर टॉक, जो एक बार कहिए वो करके भी दिखाइए, इससे आपके पर्सन के नजर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो ये थी रीडिंग मई के, सॉरी जून के फर्स्ट वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।